नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने अपने सभी क्लस्टर्स लीडर के प्रभार बदल दिए हैं। कोई भी नेता अपने क्षेत्र में नहीं रहेगा क्लस्टर का लीडर। कैलाश विजयवर्गीय होंगे जबलपुर के क्लस्टर लीडर। उज्जैन की जिम्मेदारी विश्वास सारंग को मिली है। इंदौर संभालेंगे जगदीश देवड़ा। भोपाल राजेंद्र शुक्ल के हिस्से रीवा प्रहलाद पटेल। ग्वालियर भूपेंद्र सिंह और सागर का जिम्मा मिला है नरोत्तम मिश्रा को। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्लस्टर लीडर्स के प्रभार को बदला गया है, यानी कि कोई भी नेता अपने क्षेत्र का लीडर नहीं रहेगा। अपने क्षेत्र का क्लस्टर लीडर नहीं रह पाएंगे, ये दिग्गज इन्हें अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, दूसरे क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत, ये बहुत बड़ी खबर है, वजह क्या बताई जा रही है क्लस्टर लीडर्स के प्रभार बदलने की? देखिए अपर्णा, दरअसल बीजेपी की रीति रणनीति को अगर आप देखें तो अमूमन चाहे प्रभारी हो, क्लस्टर प्रभारी हो या दूसरी जिम्मेदारी हो, अमूमन उस नेता को उसके क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, किसी दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है। राज्यों के जो चुनाव प्रभारी होते हैं वे किसी दूसरे राज्य से ताल्लुक रखते हैं। और यहाँ पर लेकिन जब ये ऐसी जिम्मेदारी दी गई तब ये सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिर ऐसे कैसे दे दिया गया, आखिर क्या इसके पीछे वजह है। जो लगातार बीजेपी को कवर करते उनके मन में भी ये सवाल आया था। और इसी के बाद जब स्वाभाविक है कि जब बीजेपी के जो रीतिकार रणनीतिकार हैं उन्होंने भी ये बात समझी होगी, इसके बाद ये बदली गई चीज़ें। अमूमन होता ये कि आपने जब किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र जो उसी क्षेत्र का बड़ा नेता है उसका क्लस्टर प्रभारी आपने बना दिया तो फिर होगा ये कि उसके जो नज़दीकी हैं उनको वो फायदा पहुँचा सकता है। और इसी मद्देनजर ये एक बड़ा रीज़न जो बदलाव अपना आप देख रहे हैं, ये इसके पीछे एक बड़ा आधार यही है। अमूमन होता है ये, आप फिर देख लें, अगर हम चुनाव प्रभारियों की बात करें, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, इससे पहले साउथ के जो चुनाव प्रभारी थे मध्य प्रदेश के वो साउथ से थे, अलग अलग राज्यों से। आप मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनते हुए नहीं देखेंगे। इसी तरह से सभी राज्यों में नियुक्ति करती है बीजेपी। और यहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि शायद उस दौरान इसके पीछे कोई बड़ी दूसरी वजह रही हो, लेकिन अब ये जो गलती कहें आप या फिर जो भी कहें, ये बड़ा सुधार बीजेपी ने कर लिया है। और इसी लिहाज से अब देख लीजिए, आप ग्वालियर चंबल से आते हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके पास उन्हीं के क्षेत्र का क्लस्टर का जिम्मा था। महाकौशल का जिम्मा प्रहलाद पटेल के पास था। विंध्य का राजेंद्र शुक्ला, ये इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। उज्जैन से जगदीप देवड़ा का जिम्मा था उनके पास। इसी तरह से कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आते हैं, उसी क्षेत्र का जिम्मा था। भूपेंद्र सिंह सागर से आते हैं, उसी क्षेत्र उसी क्लस्टर का जिम्मा था इनके पास। भोपाल से विश्वास सारंग है, इसी क्षेत्र का क्लस्टर का जिम्मा इन्हें दे दिया गया था। इसमें गड़बड़ियां या फिर ये कहें कि एक अपने जो नज़दीकी हैं या परिचित हैं उनका फेवर करने की गुंजाइश बहुत बनी रहती है अपर्णा, और शायद ऐसी किसी कोशिश या ऐसी कोई संभावनाएं आशंकाओं को अमली जामा ना पहना दिया जाए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा बदलाव बीजेपी ने कर दिया है। और अमूमन बीजेपी में होता भी है ये कि वो किसी फेवर नहीं बल्कि कोशिश यही होती है कि जो वाकई कार्यकर्ता है, जो वाकई क्षमतावान है या वो जो वाकई सीट जिता सकता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। बहुत बड़ी शफलिंग की है और सोच समझ कर ही ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई होगी। देखना यह होगा प्रशांत की स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रहती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। देखिए चुनाव नजदीक है तो ऐसे में हर कोई अपनी ओर से दौड़ भाग करने में लगा हुआ है। मंथन का दौर जारी है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, बड़े नेता चुनाव लड़े ये मांग उठी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये मांग उठी है कि जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़े। बैठक में बोले स्क्रीनिंग कमेटी के कई सदस्य, बड़े नेताओं को लड़ाया जाए लोकसभा चुनाव ताकि पार्टी को फायदा मिल सके, कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए जा सके। बड़ी खबर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में ये मांग कई मेंबर्स ने उठाई है कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़े। तो उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक बुलाई गई थी। कौन कौन से नाम दौड़ में हैं ताकि उन्हें फिल्टर किया जा सके। और इस बैठक में कई लोगों ने, कई मेंबर्स ने ये मांग की है कि जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़े, उनको चुनाव लड़ाया जाए।
भारत रत्न आडवाणी। जी हां, बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी दो तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैंने उनसे बात भी की और उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी बीजेपी के दूसरे नेता और 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को यह सम्मान दे सकती है। मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, और देश की जनता का जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह लिखा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी को भारत के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान है। तो वही अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है वो भी अब आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है एक्स पर, हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्व पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। ये पोस्ट किया है अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आइए अब कुछ विशेष जानकारी आपको दे देते हैं लालकृष्ण आडवाणी के जीवन के बारे में। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। वहीं 8 नवंबर 1927 को लालकृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था। 1941 में 14 साल की उम्र से ही वो आरएसएस से जुड़े थे। 1998 से साल 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे। 2002 से 2004 तक डेप्यूटी पीएम रहे। 3 फरवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने थे। 1967 में दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष बने थे। तो पहले दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष बने। 1970 तक संघ के कार्यकारिणी सदस्य रहे। 1970 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1977 में राज्यसभा में सदन के नेता बने। 77 में ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का जिम्मा संभाला। 77 से 79 तक सूचना प्रसारण मंत्री बने। 1980 में बीजेपी के, तो ये पूरा प्रोफाइल रहा है उनका, पॉलिटिकल प्रोफाइल। वहीं भोपाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रही क्लस्टर प्रभारी की बैठक के बीच जैसे ही आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी हुई,
तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। बैठक में मौजूद नेताओं ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी में तो अटल आडवाणी एक तरह से जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक जिस प्रकार से उन्होंने अपना स्थान बनाया और ऐसे लगभग इतना लंबा संसदीय जीवन का जिनका अनुभव है, विविध क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उनके अपने जीवन के पड़ाव है जिसमें वो पत्रकार के रूप में भी रहे। ऐसे हमारे यशस्वी नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूं कि हमारे सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे साथ माननीय यशस्वी अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी मौजूद है। हम सब अभी एक बैठक में थे, हमने अत्यंत आनंद से इस निर्णय का स्वागत भी किया है और एक बार पुनः मैं आभार मानता हूं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस तरह से सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी जिनका लंबा अनुभव है ऐसे व्यक्ति को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं आज ऐतिहासिक पल और क्षण हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवासियों के लिए, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने देश के हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को लगाकर ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई, शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार